नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्राटेक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अभी के टाइम बात की जाए तो GTL इंफ्रा पर वापस जो तेज़ी है वो वापस देखने को लौटती हुई नजर आई है। फिलहाल दोस्तों इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या होने वाली है वो भी जानने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम कल के मार्केट को लेकर अभी के टाइम चार्ट पैटर्न पर किस प्रकार का डेटा नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले टाइम से लगातार लोअर सर्किट का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों अभी टाइम जो अचानक आज के सेशन में रैली जो वापस देखने को नजर आई, तेजी वापस नजर आई, तो फिलहाल दोस्तों एक्चुअल मार्केट की तेजी या फिर दोस्तों कोई ऑपरेटर्स का ट्रैप होने वाला है। तो प्राइस के रूप में अगर हम बात करें तो 1.85 रुपये पर वापस जो क्लोजिंग है वो हम लोगों को मिलने वाली है। अब लगभग जो रिटर्न 3% की तेजी पर क्लोजिंग नजर आई है, क्योंकि दोस्तों ओपनिंग जो देखने को नजर आई थी लोअर सर्किट के साथ नजर आई थी। अब लोअर सर्किट के साथ ओपनिंग नजर आई और अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग नजर आई, क्योंकि दोस्तों लगातार अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में जो गिरावट और बड़ी क्रेश देखने को नजर आ रही थी, क्योंकि सिंगल 5 सेशन में अगर हम बात करें तो लगभग पूरे 12% के दोस्तों रिटर्न्स पर जो गिरावट है वो हम लोगों को नजर आएगी। और पर शेयर पर अगर लॉस की अगर हम बात करें तो 25 पैसे का जो लॉस था वो हम लोगों को नजर आ रहा था। तब दोस्तों कमेंट्स काफी ज्यादा ये देखने को मिल रहे थे कि 60 पैसे तक जो गिरावट है वो हम लोगों को मिल सकती है, क्योंकि मार्च का महीना जो देखने को नजर आ रहा है वो स्टार्ट हो चुका है। और जो 52 वीक जो लो प्राइस जो नज़र आती है वो भी दोस्तों जो 60 पैसे तक नज़र आती है तो वो भी पिछले टाइम मार्च के महीने में ही देखने को नज़र आ रही थी। तो इस वजह से सभी के सभी जो शेयर होल्डर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होते हुए भी देखने को मिल रहे थे। तब मैंने दोस्तों आप लोग को बताया था कि अगर एक्चुअली की मार्केट की अगर गिरावट होती तो दोस्तों बड़ी गिरावट देखने को मिलती, क्योंकि इस प्रकार की छोटी छोटी जो गिरावट है वो इस प्रकार यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। पर अभी के टाइम वापस अगर जो धीरे धीरे जो तेज़ी वापस लौटती हुई नज़र आई है तो कहीं ना कहीं मार्केट में वापस जो तेज़ी का जो संकेत है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने वाला, क्योंकि मार्केट में जो बायर्स है वापस लौटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल अभी के टाइम आज के इंट्राडे की कारोबारी पर हम सबसे पहले बात करें तो आज का इंट्राडे में जो कारोबार नजर आता है दोस्तों वो 18,39,07,771 शेयर का आज के इंट्राडे का कारोबार नजर आता है। अब अलग अलग प्राइस पर दोस्तों मल्टीपल क्वांटिटी पर दोस्तों मार्केट में जो बाइंग ऑर्डर है वो अलग अलग देखने को नजर आए। 1.85 रुपये प्राइस पर अलग बाइंग ऑर्डर रहेगा, 1.80 रुपये पर अलग बाइंग ऑर्डर रहा है और 1.75 रुपये पर अलग बाइंग ऑर्डर रहा है, जिसमें टोटल नेट क्वांटिटी निकल के आती है वो 11,15,87,632 शेयर आज के इंट्राडे में दोस्तों बाइंग ऑर्डर लगी है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम आज के सेशन में दोस्तों सिंगल होल्डिंग नजर आई है, सिंगल सेशन पर जो होल्डिंग देखने को नजर आई है नेक्स्ट मार्केट के लिए या आगे के फ्यूचर के लिए। तो इसमें नेट क्वांटिटी दोस्तों आज के वॉल्यूम में से 46.30% की रही है, जिसमें 8,49,15,100 शेयर दोस्तों आज के सेशन में होल्ड किए गए देखने को नजर आ रहे हैं। तो अभी के टाइम दोस्तों सीधा सीधा इस चीज का यह मतलब निकलता है कि आगे आने वाले मिड टर्म में दोस्तों जो शेयर होल्डर्स हैं वो काफी अच्छा प्रॉफिट गेन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम जो पिछले टाइम कंपनी BSNL कंपनी की तब तक दोस्तों 4G और 5G नेटवर्क को लेकर यहाँ पे जो अपडेट यहाँ पे जारी हुई थी, और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों जो है 5G को लॉन्च करने के लिए जल्द से जल्द दोस्तों 20,000 करोड़ रुपये भी यहाँ पे जो उठाए थे, तो इनमें दोस्तों कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आंकड़ा निकल के आ सकता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो कर्ज के चलते दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट पर नजर आ रही थी, तब दोस्तों BSNL की तरफ से दोस्तों गवर्नमेंट ने दोस्तों 30% की हिस्सेदारी यहाँ पे ऑलरेडी ले ली है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आंकड़ा वोडाफोन आइडिया वालों के लिए निकल के आता है। और दोस्तों अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि जल्द दोस्तों एक बढ़िया जो प्रॉफिट है वो नजर आ सकता है। रीजन ये होने वाला है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट वोडाफोन आइडिया से या BSNL से मिलने के जो चांस है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों पर दोस्तों अगर डिक्लेरेशन अगर मिलता है, कहीं अपडेट निकल के आती है, तो एक पॉजिटिव आंकड़ा रैली की तरफ नजर आ सकता है। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दो, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम अगर बात की जाए चार्ट पैटर्न के ऊपर, दोस्तों चार्ट पैटर्न पर लगातार जो मार्केट में गिरावट कंटिन्यूसली देखने को मिल रही थी, और साथ ही साथ दोस्तों जो RSI इंडिकेटर पर कंपनी का जो चार्ट पैटर्न नेगेटिव सिग्नल देखने को नजर आ रहा था, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड की तरफ तेजी से नजर आ रहा था, पर उसमें अभी के टाइम वापस बदलाव देखने को नजर आया है और वापस जो है कंपनी का जो चार्ट पैटर्न में अब जो मूव है अप मूव ट्रेंड देखने को नजर आ रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम से लगातार दोस्तों अगर 1 वीक के हिसाब से अगर मार्केट को अगर रीड करते हैं तो कहाँ पर बड़ी गिरावट नजर आई है, तो उस चीज़ के लिए अगर देखें तो लास्ट जो 15 से 20 दिन का जो 15 जो सेशन देखने को नजर आए, जो 10 सेशन देखने को नजर आए, तो उसमें दोस्तों 10 सेशन में बड़ी गिरावट रही, पर आज के मार्केट में वापस अगर तेजी लौटती हुई देखने को नजर आई, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम लगातार जो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों पर अभी के टाइम कंपनी का सुधार काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी में दोस्तों समस्या ओनली एक ही देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो अभी के टाइम लगभग 4200 करोड़ का देखने को नजर आ रहा है, और इसी कर्ज की समस्या के चलते
कंपनी को बाकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो पैनिक होकर हम लोग को सेल कर ले की गलती करनी है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिड टर्म के लिए एक अच्छा होल्डिंग बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा होल्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो वही मार्केट अप डाउन करेगा, बट मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग और जो मल्टीपल प्रॉफिट है वो यहाँ पे हम गेन कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पैनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।